उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना अंतर्गत ओरा गांव के शिव नारायण पांडे उम्र 70 वर्ष की कल दिन 4 बजे खेत के लिए गए थे। वहीं खेत के पास पेड़ से पैर फिसल जाने के कारण अचानक गिर गए, जिससे हल्की चोट लग गई और चोट लगने के बाद उसको इलाज के लिए करबी के डॉक्टर ए के मोहन, जो अमानपुर बेड़ी पुलिया करबी में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका खर्च 1 लाख रुपए लगेगा। लेकिन उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी प्रकार से हमने तुरंत 50,000 रुपए की व्यवस्था की। तब डॉक्टर साहब ने इलाज चालू किया और कहा गया कि 2 दिन बाद ऑपरेशन होगा, जब पूरे पैसे आपके हो जाएंगे। जहां पर इलाज किया गया, इलाज करने के बाद कहा गया जाओ घर ले जाओ। कुछ दूर पहुँचते ही मरीज और सीरियस हो गया। जब डॉक्टर को फ़ोन किया, बोले अब फिर ले आओ। हॉस्पिटल पर हम आ गए, डॉक्टर ने बताया कि पसली गड़बड़ है, फ़ोन से ही बात हुई, पसली का ऑपरेशन किया जाएगा, मैं भी आ रहा हूँ जिससे ठीक हो जाएगा। जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर ना डॉक्टर ही था ना ही कंपाउंडर। पसली में दर्द के चलते वहीं डॉक्टर साहब कंपाउंडर न होने के चलते इंतजार करते करते इलाज दोबारा न मिलने के कारण 30 मिनट के अंदर दम तोड़ दिए। यदि डॉक्टर साहब मिल जाते तो जान बच सकती थी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से ही ये सब हुआ है। हमारे पिताजी की मौके में मृत हो गई। वहीं 5-6 ऑपरेशन वाले मरीज बिना डॉक्टर कंपाउंडर के भगवान भरोसे अभी भी वहां लेटे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा चित्रकूट जिले से ब्यूरो दिनेश की रिपोर्ट। अस्पताल में आए तो पता चला संडे का दिन है, लेकिन मोहन प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए वहाँ पे वो देखते हैं। हम वहाँ पर इनको पता लगाते हुए यहाँ पे हॉस्पिटल में आए इन्हें लेकर। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये सीरियस, बड़ा सीरियस केस है। हमने कहा डॉक्टर साहब यदि आपको बात करना हो तो इसको आप रिफर कर दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, बस अपने पैसा आपका खर्च लगेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब पैसे वाली कोई बात नहीं, आप उतना बता दीजिए। उन्होंने कहा मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपये लगेगा और वो भी अभी तत्काल जमा करना पड़ेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब प्रेजेंट टाइम में तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास 50-60 हज़ार रुपये दिए दे रहे हैं, लेकिन बस अगर आपके पास का हो तो आप करिएगा, अन्यथा आप टच न करिएगा। उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, इलाज हम पूरा करेंगे। इनको एडमिट करा दिया गया है, 1.5 या 2 घंटे अपने पास उन्होंने क्लिनिक में रखे गए। अल्ट्रासाउंड कराया, एक्सरे कराया, जो भी उनके बस में था उन्होंने दवा गोली किया, बाद में घाट उनको ले जाइए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि 6 तो प्रक्रिया टूटी हुई है, इनको घर ले जाकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, इनको आराम मिलेगा, यदि कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हम इनको मतलब इनका 50,000 रुपये इन्होंने हमसे लेने के बाद उन्होंने कहा आप ले जाइए। हम रास्ते में लेकर गए तो गाँव में बगल में पड़ता है 14 गाँव लोहारा के पास लेकर गए। लोहारा जब वहाँ पे हमने देखा कि इनको तकलीफ बढ़ रही है, हमने वहाँ से कॉन्टेक्ट किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, ऐसा कहिए कि आप जो है मरीज को वापस ले आइए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लाने के बाद हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ताला लगे हुए डॉक्टर साहब के रूम में, और डॉक्टर साहब है ना इन्हें उनका कंप्यूटर, हम उनसे बराबर संपर्क बनाए रहे, उन्होंने हमारा फोन ही रिसीव नहीं किया। फोन न रिसीव होने के बाद यहाँ की हमें और घबराहट पैदा हुई, क्योंकि सांस तेज होने के कारण बार बार हम परेशान होते थे। हमने कहा चलिए अगर डॉक्टर साहब नहीं आ रहे तो दूसरी जगह निकाल, जैसे क्लिनिक के बाहर हमने निकाले कि उनकी टीम उन्होंने कम को यहाँ आने के कितने घंटे बाद इनकी डेथ हुई है? यहाँ आने में लगभग 1.5 घंटे उन्होंने इलाज किया। 1.5 घंटे इलाज करने के बाद हम लोग जा रहे थे गांव में, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट हमें लगा होगा जाने पर। तो जब तकलीफ बढ़ी तो वापिस आने जाने में जो समय लगा हो लगभग 1 घंटा 40 मिनट जो भी लगा हो, आने के बाद यहाँ जब वापस दोबारा आए लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद इनकी मृत्यु हुई। आप यहाँ पे लेट आए थे जी? डॉक्टर साहब कंप्यूटर कंपाउंडर कोई नहीं आया? कोई नहीं। बताइए अपनी तकलीफ। आपकी तकलीफ यही है भैया कि जो हमारी बीमारी है ना जी, और कोई डॉक्टर आ रहे हैं। आप इनके कल ऑपरेशन हुआ है? हाँ, कल ऑपरेशन हुआ है। कल से ना कोई डॉक्टर ना कोई कोई देखने नहीं आया? अच्छा, ऐसे वैसे अच्छा, कल से कुछ ना कोई दवा ना कोई डॉक्टर ना कोई कुछ?
जितना कह दिया है उतना बोतल चढ़ा गए ऑपरेशन करके। बोतल चढ़ाने के बाद कोई नहीं आया कल से, न कोई कंपाउंडर न कोई डॉक्टर, कोई नहीं आया। कितना पैसा लिया गया है आपसे? 20-25 हजार रुपए जमा करने के बाद ऑपरेशन हुए, इसके बाद कोई देखने तक नहीं आया। 20 हजार एक पैर का ऑपरेशन, 20-25 हजार रुपए जमा कराने के बाद कोई डॉक्टर न कोई कंपाउंडर, कोई नहीं आया। यहाँ गेट में अभी भी ताला लगा हुआ है।